3.3 अपडेट का फर्स्ट अल्टीमेट स्पिन जो स्कारल का था उसका आज आखिरी दिन है, तो अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज बचा हुआ है स्पिन का लाइक जेम या क्रिस्टल तो डेफिनेटली इसको यूज कर कुछ चीज रिडीम कर लीजिए, कल सुबह 5:30 बजे वो गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके जगह हम लोग को आने वाला है H32 का अल्टीमेट स्पिन, तो इनकेस अगर आपको H32 चाहिए तो डेफिनेटली कल आप इसको स्पिन कर सकते हो। लिंक्स तो मैं आपको काफी पहले ही दिखा चुका हूँ कि क्या क्या चीज आने वाला, तो वापस से फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। ये कुछ H32 का स्पिन आने वाला है जिसमें आपको काफी सारा पायरेट थीम वाला चीजें देखने को मिलेगा, लाइक ग्रेनेड हो जाए, अल्टीमेट आउटफिट हो जाए, मॉली, उसके साथ साथ जो वेपन खुद में ही काफ़ी नेक्स्ट लेवल लुक के साथ आता है। हालांकि H32 कितना लोग यूज़ करेगा वो डिपेंड करता है, बट अच्छा गन है, इसका भी डैमेज अच्छा खासा देता है आपको पता ही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट लगता है AKM से, तो रिकॉयल है ना थोड़ा सा, हो सकता तो हार्ड एज कम्पेयर टू AKM, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो। बट मुझे लगता है H32 से ज़्यादा वेट लोग कर रहे हैं टाइडल M4 का, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि कोई अलग स्पिन में आएगा, तो हम लोग उम्मीद करके चल रहे जैसे हम लोग का इस बार M24 आया था रिडीम में, मतलब एक्सचेंज रिडीम में M24 का स्किन, तो वैसे ही हम लोग को टाइडल M4 हम लोग को रिडीम में ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसमें आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 3 जेम आपको कलेक्ट करना है, 3 जेम जैसे कलेक्ट करोगे तो आपको टाइडल M4 मिल जाएगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट M4 कैटेगरी में ही आता है अपग्रेडेबल में, तो ये काफी लोग कल रिडीम करने वाले मुझे पता है, एस से ज्यादा हाइप इसी का ही बना हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म है कि एक्सचेंज में ही आएगा, बट मैं एक गेम के ऊपर हमेशा 10% बैकअप रखता हूँ कि भाई कुछ अलग कॉन्सेप्ट दे दे, कुछ भरोसा नहीं है भाई, इतना अच्छा M4 है ना, क्योंकि 3 जेम से रिडीम करना ज्यादा बड़ा बात नहीं है, और हम लोग का BGMI के अंदर पूरा बोल सकते टिप्स एंड ट्रिक्स चलता ही है, क्योंकि प्राइम प्लस का जादू है हम लोग के पास जो कि पबजी वाले के पास नहीं एक्चुअली, तो इसी चलते लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये जेम वाला चीज है, ठीक है। जब देखो 22 घंटा केवल बचा हुआ, 22 घंटा बाद हम लोग का ये पोस्टर भी आ जाएगा, बाकी 2 अल्टीमेट सेट है ना उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेस 79 हो चुका है, 30 क्रिस्टल हो चुका है, तो देखते कितना जेम मिलता है, और उसके बाद उस हिसाब से हम लोग एक लॉबी तो रिडीम करेंगे, और देखते अगर एक्स्ट्रा जेम हो जाता है तो देख लेंगे कुछ मटेरियल उटेरियल रिडीम कर लेंगे, ठीक है। तो चलो 540 UC का ये स्पिन कर लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए। ये वाला स्पिन में मुझे नहीं पता क्या हो गया है कि मुझे अच्छा कुछ मिला ही नहीं, जनरली 10 UC वाला में जितना अल्टीमेट स्पिन किया काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है, बट ये वाला स्पिन में मुझे उतना खास कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो 93 हो चुका है, चलो एक और बार करते देखते हैं, देखो ओके जेम तो वो कन्फर्म था एक्चुअली, ये हम लोग को मॉली मिल चुका है और ये तो कन्फर्म था, ओके। तो इधर आप देख पा रहे हैं 44 हो चुका है, हम लोग को और 6 क्रिस्टल तो निकालना ही पड़ेगा, 2 जेम एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो एक और बार ट्राई कर लेते हैं, वैसे 10 UC वाले एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके पेंट, मतलब यही स्पीड में मुझे कुछ खास मिला नहीं टू बी ऑनेस्ट। चलो 6 और दे दो भाई, ओके 6 हो गया भाई, तो थोड़ा ज़्यादा ही उसे लग गया, मैं सोचा था कि थोड़ा पहले ही मिल जाएगा, बट क्या ही बोले अब। चलो 83 स्पिन हो चुका है, हम लोग को फ्रेम मिल चुका है। स्कारल मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि मेरे पास हेलोइन स्कारल है, और ये सबसे पहला अपग्रेडेबल स्कारल है गेम के अंदर, और मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्कारल स्किन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, स्कारल के ऊपर नहीं जा रहा, तो इसलिए सिंपली हम लोग एक जेम का हम लोग लॉबी निकाल लेंगे, तो इसमें हम लोग क्लिक करते सबसे पहले, इसको हम लोग रिडीम कर लेते हैं जेम में, ओके। तो हम लोग के पास आ गया है गॉर्जियस जेम, तो 2 हम लोग का क्रिस्टल हो चुका है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्काउंटेड वाला लॉबी को ले लेते हैं परमानेंट, चलो ओके, ये मेरे को लेना ही था, और उसके साथ साथ हम लोग ये मटेरियल को ले लेंगे एक, ये काम आएगा, ओके डन। उससे अभी BMPS का जो लॉबी है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट वो टाइम लिमिटेड है, एक टाइम के बाद वो जाके हट जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का अचीवमेंट वाला लॉबी है, तो ये परमानेंट हो गया है, और मेरे पास कोई खास लॉबी नहीं था तो इसलिए मैं लॉबी ले लिया हूँ, और नेक्स्ट अपडेट में देखते हैं अगर कोई अच्छा हेलोइन लॉबी मिलेगा तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये अभी टाइम लिमिटेड है 6 दिन का, अभी फिलहाल इसी को यूज़ करते हैं, परमानेंट तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं बोनस चैलेंज के बारे में, तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग मैच में क्लिक करते हैं, तो इधर आप देख पा रहे फाइनली बोनस चैलेंज जो है वो अनअवेलेबल हो चुका, और ये अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा, बट इसका जो शॉप है आप देख पा रहे, मतलब रिडिम्पशन, वो आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देख पा रहे UC बोनस चैलेंज, इसका आखिरी दिन आज ही है 26 को, 27 को सुबह को 5:30 बजे ये गायब हो जाएगा। तो आपके दिमाग में भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि क्या अभी हम लोग को और बोनस चैलेंज नेक्स्ट फ्राइडे से संडे देखने को मिलेगा, तो इसका चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि आपको पता है एक बार हम लोग का जो रिडिम्पशन वाला जो इवेंट है वो गायब हो जाता है, दोबारा ये अभी नहीं आएगा, ये हम लोग का नेक्स्ट वर्जन में देखने को मिलेगा। पिछले वर्जन में भी ऐसा ही हुआ था, रिडिम्पशन जो इवेंट था वो हम लोग को 2 वीक के लिए दिया गया था, बट जो बोनस चैलेंज है वो 2 वीक कंटिन्यू नहीं चलता है,
फ्राइडे से संडे चलता है, उसके बाद हम लोग का बीच में मंडे से लेकर ट्यूजडे तक वो बंद रहता है, फिर वापस से नेक्स्ट वीक में फ्राइडे से संडे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक बार जैसे ही वो बोल सकते रिड्यूसर वाला इवेंट गायब हो जाएगा, नेक्स्ट वर्जन को वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पास्ट का जैसे हम लोग का पैटर्न है उस हिसाब से आज अगर आपके पास कॉइन बचा हुआ है तो आप इसको रिडीम कर लीजिए यूसी में, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्जन का आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्जन 3.4 जो कि सितंबर 20 के आसपास आने वाला वीजा के अंदर, तो सितंबर मंथ में आप बोनस चैलेंज का उम्मीद मत करो। हम लोग का उसके बाद वाला मंथ मतलब अक्टूबर मंथ में आपको मोस्ट प्रॉबली देखने को मिलेगा इस बोनस चैलेंज, और उसमें भी हम लोग को 2 वीक देखने को मिल जाएगा। कभी भी वो लोग दे सकते अक्टूबर का मिड में 10 तारीख के बाद कभी भी वो लोग 2 वीक के लिए दे सकते और वापस आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। बट एक चीज़ मैं डिमांड करूंगा इस बार वीजा को, भाई नेक्स्ट बार जब बोनस चैलेंज लाओ ना तो भाई अपना सर्वर को थोड़ा और अच्छा कर लो, हैकर सबको दूर करो, क्योंकि ये जो करेंटली जो बोनस चैलेंज खेलने लायक नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में दिखा चुका था इतना सारा हैकर्स आ रहे, भाई उन लोग का ही केवल कमाने का जरिया बन गया, हम लोग नॉर्मल यूजर तो केवल यूसी वेस्ट कर रहे जाके 10-10 यूसी लगा के, ठीक है। खैर वो चीज़ तो भाई वो लोग ही जाने। खैर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अभी और ये वर्जन में आप उम्मीद मत करो कि बोनस चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वर्जन का भी कब मैं बता दिया, अक्टूबर 10 के बाद आपको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो को हम लोग इतने रखते, कल हम लोग नया स्क्रीन के साथ आएंगे, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।